छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार और कारोबार का बना बेहतर वातावरण। मुख्यमंत्री श्री बघेल, लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण। मुख्यमंत्री ने सुगम उद्योग व्यापार उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से की बात। ग्राम पंचायत लखराम सहित पूरे जिले में लोगों ने तन्मयता से सुनी लोकवाणी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी में आज सुगम उद्योग व्यापार उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण आज छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से किया गया। बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत लखराम सहित पूरे जिले में लोगों ने तन्मयता से लोकवाणी का श्रवण किया। ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती बबीता वर्मा, सचिव श्री कृष्ण कुमार यादव, रोजगार सहायक श्री सुखीराम, श्री संतोष कुमार धीवर, श्री राजेश टिकली, श्री प्रमोद यादव, श्रीमती सविता साहू, श्रीमती सीता साहू, श्रीमती कलिंद्री साहू, श्री पंचराम यादव, श्री अरुण यादव, श्री रामेश्वर श्यामले सहित अन्य लोगों ने लोकवाणी की इस कड़ी की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने कहा कि संभावनाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ में देश और दुनिया के निवेशक आकर देखें कि यहां उद्योग मित्र, व्यापार मित्र, कारोबार मित्र, उपभोक्ता मित्र, पर्यटक मित्र, रोजगार मित्र नीतियों से कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। राज्य में हमने शुरू से ही ऐसे कार्यों को महत्व दिया है जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और रोजगार के अवसर बढ़े। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारे पुरखों ने यह सपना देखा कि जब हमारा अपना छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तब यहां कोई बेरोजगारी नहीं होगी। इसी ध्येय को ले करके हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सभी को आजीविका रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की जा रही है। वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, जहां भी रोजगार के अवसर दिख रहे हैं वहां हमारी सरकार योजना बनाकर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में 1715 नए उद्योग स्थापित, 19,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 33,000 लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे फैसलों से गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिला। निश्चित तौर पर सबके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने औद्योगिक नीति 2019 से 2024 की घोषणा की थी, जिसमें फूड, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, दवा, सोलर जैसे नए उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। हम चाहते कि छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिले, इसके लिए पर्यटन के अलावा अन्य कार्यों को भी चिन्हांकित किया गया है। MSME सेवा श्रेणी उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र, BPO, 3D प्रिंटिंग, बीज ग्रेडिंग इत्यादि 16 सेवाओं को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा कि बहुत से मेडिकल उपकरण और सामग्री स्थानीय स्तर पर ही बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें भी उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है। औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन नियमों का सरलीकरण किया गया था, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन भू प्रव्याजी में 30% की कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में भू भाटक में 33% की कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर 10 एकड़ तक आवंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने हेतु नियम तैयार कर अधिसूचना जारी की गई। इसके बारे में कई प्रकार की योजनाओं के बारे में रेडियो वार्ता में दी गई। लखराम रतनपुर से हरीश माड़वा, छत्तीसगढ़ विजन TV।